किसी नॉन वायलेंट आदमी के बीच एक वायलेंट आदमी, उस नॉन वायलेंट आदमी के सामने एक बहुत ही वायलेंट आदमी का खड़ा होना जरूरी है। क्या सोचा है फिल्म में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? कहानी, राइट, डायरेक्शन, एक्टिंग, सिनेमेटोग्राफी। एक्चुअली ये सभी इम्पोर्टेंट है, बट एक अच्छी फिल्म को बेटर और रिवॉचेबल बनाते हैं उसके डायलॉग्स। गॉडडैम राइट। अच्छी स्क्रिप्ट इंगेज रखती है, बड़ी एक्टिंग बोर नहीं होने देती, बट फ्लैट डायलॉग्स या घटिया डायलॉग उस फिल्म को झेलना मुश्किल बना देते हैं ऑडियंस के लिए। अब ये ब्रह्मास्त्र मूवी तो काफी लोगों ने देखी होगी और ये एक अच्छी मूवी थी, बट इसमें सबसे ज्यादा किसी चीज की खिल्ली उड़ाई गई तो वो थे इसके डायलॉग। तो बिकॉज जब ऐसे डायलॉग्स होंगे जो आपको क्रिंज महसूस करवा दे तो उसका क्या फायदा? और ऑडियंस का इंटरेस्ट फिल्म में बढ़ाने की जगह ऐसे डायलॉग उसे क्रिंजी बना देते हैं और सीन खोखला लगने लगता है इवन दो यू हैव इम्पैक्टफुल सीन। और आजकल ज्यादातर मूवी में या तो ओके डायलॉग होते हैं या फिर काम चलाओ डायलॉग्स। उसका कुछ हद तक रीजन है फिल्म मेकर सोचते हैं कि आज की जनरेशन नहीं है और वो शायद रियलिस्टिक कॉन्वर्सेशन को ही पसंद करेगी, बट कॉन्वर्सेशन या आम बातचीत डायलॉग नहीं होती। डायलॉग्स तो सेंटेंस होता है जो तीन लाइन की बात को समेट कर एक लाइन में अच्छे से आर्टिकुलेट कर दे अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर सिचुएशन ऑफ द मूवी। और डायलॉग का काम सिर्फ इन्फॉर्मेशन डंप करना नहीं होता, डायलॉग्स कैरेक्टर को सूट करना चाहिए, या तो डायलॉग डिफेंड कर रहा हो या अटैक कर रहा हो, और उसमें अगर कुछ सबटेक्स्ट भी हो तो वो उससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छे डायलॉग्स का तो जैसे अब अकाल ही पड़ गया है, बट एक टाइम था जब ऐसे डायलॉग राइटर्स थे जिनके डायलॉग्स आम बोलचाल की भाषा से कॉम्प्लेक्स थे, बट लोगों को वो आज भी पसंद आते हैं और लोग उन्हें दोहराते हैं। विजय, दीनानाथ, जॉन, पूरा नाम के यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शंशा। और अच्छे डायलॉग्स कहानी को और इम्पैक्टफुल बना देते हैं और फिल्म के एक्सपीरियंस को इनहेंस कर देते हैं अगर उसे बोलने वाला भी ठीक से बोले तो। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे डायलॉग राइटर की जो बढ़िया एक्टर भी थे, बट आज मैं सिर्फ बात करूंगा उनके डायलॉग राइटिंग की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कादर खान की। उनकी एक्टिंग तो हमें अच्छी लगती ही थी और आज भी उनकी कोई सी भी मूवी आप उठा के देख लो तो मजा आ जाता है, बट उनके डायलॉग राइटिंग कहानी में चार चांद लगा देते थे। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि वो सबसे बेस्ट डायलॉग राइटर में से एक क्यों थे, और आई थिंक मेरे लिए तो सबसे बेस्ट डायलॉग राइटर थे। अब इस सीन की डायलॉग को सुनते हैं फ्रॉम अग्निपथ, जहां विजय कांचा से मिलता है, बट पहले देखते हैं अग्निपथ ऋतिक वाली। तुझे देखकर किसी की याद आती है, किसकी पता नहीं, किसकी बस याद आती है। मजहर को क्यों मारा? मजहर को शांताराम ने मारा। और शांताराम को क्यों मारा? तुझ तक पहुंचना था। अगर मैं तुझे मार दूं अभी यहां तो मुंबई नहीं ले पाएगा। मुंबई क्या तेरे जेब में पड़ी है? मेरी मोजड़ी में। अब ये सीन में काफी अच्छे डायलॉग थे, डायलॉग टोन कैरेक्टर दोनों के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट थे, डायलॉग्स उस दुनिया जो दिखाई गई है फिल्म में उसके अकॉर्डिंग थे, और सीन में टेंशन बनी रहती है और डायलॉग्स में अटैक और डिफेंड दोनों ही कैरेक्टर कर रहे थे। इट मीन जब ये दोनों बोल रहे हैं या तो कुछ छुपा रहे हैं एक दूसरे से या तो कुछ नया एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, और कांचा विजय को डराने की कोशिश कर रहा है और विजय डिफेंड कर रहा है। अब देखते हैं अग्निपथ अमिताभ वाली जिसके डायलॉग कादर खान ने लिखे थे, वहां विजय और कांचा की मीटिंग कैसी जाती है। बहुत जल्द ऊपर जाना चाहते हो? घबराता हूं मैं, घबराता हूं ऐसे लोगों से जिनमें तरक्की की भूख ज्यादा होती है। थोड़ा सा ऐसा भूख तो हम सब में है कांचा जी ना, आए कभी कभी भूख पूरा करने के लिए किसी निर्दोष मासूम को कुचलना पड़ता है। क्या तुम अपना जीवन में कभी किसी मासूम निर्दोष को अपने पांव के तले नहीं कुचला है? कुचला है कि नहीं? हाँ। फिर क्या चाहते हो? मांडवा। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना विजय चौहान, मेरा रास्ता काटने की कोशिश मत करना, समझा?
अपना उसूल कहता है, हर गलती की सजा मौत है, सिर्फ मौत। अब ये सीन में भी काफी अच्छे डायलॉग्स थे, डायलॉग टोन और कैरेक्टर दोनों के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट था, और सीन में टेंशन भी थी, और दोनों कैरेक्टर की पर्सनैलिटी में भी डिफरेंस पता चलता है बिकॉज ऑफ देयर डायलॉग्स, और स्टाइल तो था ही, और डायलॉग्स में दोनों ही कैरेक्टर अटैक और डिफेंड करते हैं अपनी बात को, और दोनों ने ही डायरेक्टली ना बोलकर इनडायरेक्टली अपना मैसेज एक दूसरे को कन्वे भी कर दिया। दोनों ही मूवी के इस सीन के डायलॉग अच्छे थे, बट अमिताभ बच्चन वाला थोड़ा सा और स्टाइलिश और बढ़िया निकल के आया, ऋतिक वाला ज्यादा नेचुरल था, बट अमिताभ वाला इट वॉज अ क्लैप ट्रैप। ऐसे बैक एंड फोर्थ डायलॉग सुन के पब्लिक ताली बजाने को मजबूर हो जाती है। और एक ट्रिविया बताता हूँ पुरानी अग्निपथ के बारे में, इसमें अमिताभ बच्चन की आवाज इतनी भारी और हस्की इसलिए थी क्योंकि स्क्रिप्ट में अकॉर्डिंग टू कादर खान एक सीन था जहाँ अमिताभ के कैरेक्टर के बचपन में जलता हुआ कोयला उसके मुंह में डाल दिया था, जिसकी वजह से उसका गला थोड़ा जल गया था और उसकी आवाज ऐसी हो गई, बट मूवी में ये सीन फिल्माया ही नहीं या फिर इसे कट कर दिया गया, उसके बारे में कहना मुश्किल है। अब एग्जाम्पल लेते हैं अच्छे और बुरे डायलॉग का, और ये भी रीमेक है फ्रॉम कादर खान मूवी हिम्मत वाला। वैसे हिम्मत वाला आई थिंक एक साउथ की रीमेक थी, बट डायलॉग कादर खान ने हिंदी के लिए खुद लिखे थे, फोर्स लग रहे थे और ज्यादा मेटा होने के चक्कर में इतने इफेक्टिव नहीं लग रहे थे, और इवन परेश रावल जैसे एक्टर को भी दिक्कत हो रही बिकॉज ऑफ डायलॉग और एट सम पॉइंट डायरेक्शन भी। अब देखते हैं कादर खान ने इसी सिचुएशन के लिए क्या लिखा। अरे मुनीम जी, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? क्या बताऊं बेटा, अपनी बदतमीजी के शब्दों ने पैरों में बेड़ियां डालकर यहीं बिठा दिया है। बेटा तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हारा दिल हिंदुस्तान की तरह महान है, पुरानी बातों को भूल जाओ और हमारे रिश्तेदार बन जाओ। अब यहाँ कैरेक्टर कोई मेटा बनने के चक्कर में नहीं थे, और जिस तरीके से डायलॉग्स बोले गए वो क्रिंज भी नहीं था जो दूसरी मूवी में लग रहा था। ऐसी ना जाने कितनी सारी मूवीज में कादर खान साहब ने डायलॉग्स लिखे हैं, और आज भी लोग उनके लिखे डायलॉग को याद करते हैं, जब भी उनकी मूवी आती है तो लोग देख ही लेते हैं बिकॉज डायलॉग्स की वजह से इन मूवीज की रिवॉचेबिलिटी काफी बढ़ जाती है। कादर खान साहब ने कोई फिल्म स्कूल ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने अपने कॉलेज के टाइम पर वहीं पे ही प्लेस करे और लिखे। एक बार उनका प्ले देखने खुद 70s में दिलीप कुमार साहब आए थे और वहां से उनका करियर स्टार्ट हुआ। उन्होंने फर्स्ट मूवी जो लिखी थी वो थी जवानी दीवानी इन 1972, जो काफी हिट हुई। एक दफा कादर खान जी को जब मनमोहन देसाई ने फिल्म रोटी की कहानी सुनाई और उन्हें डायलॉग्स लिखने के लिए बोला, तो कादर साहब ने एक ही रात में सारे डायलॉग्स लिखे और नेक्स्ट डे डायलॉग्स मनमोहन देसाई को दे दिए। और ये मैं खुद बना के नहीं बोल रहा, कादर खान जी ने एक इंटरव्यू में ये किस्सा खुद बताया। और अगर आपने रोटी मूवी नहीं देखी तो टाइम निकाल के देख लेना, तो आप समझ जाओगे इस बंदे के इंटेलिजेंस को, क्योंकि उस मूवी का हर डायलॉग बेहतरीन था। और ऐसे न जाने कितनी ही मूवीज के उन्होंने डायलॉग्स लिखे, बट अब ऐसा कोई डायलॉग राइटर नहीं है जो लगातार कंटिन्यूअसली अपनी सभी ही मूवीज के डायलॉग इस लेवल के लिखता हो। सब कुछ उन्होंने लिखा, ही इज डन द फुल ट्रांजिशन। अरे मैं बोला आप उनका क्रेडिट, अब IMDb खोलो, उनका क्रेडिट देखना चालू करो, उन्होंने क्या क्या लिखा है, यू विल बी शॉक्ड कि अच्छा ये भी उन्होंने लिखा, ये भी उन्होंने लिखा। ऐसे कादर खान वो थे, कादर खान He was right. I think कादर खान को वो ऑनर कभी नहीं मिला जो वो डिजर्व करते थे, और फिल्म इंडस्ट्री उनके फ्यूनरल के वक्त कोई भी कनाडा नहीं गया, कोई एक दो जने गए तो पता नहीं, बट इट्स अ सैड थिंग। बट जिन लोगों ने उनका साथ छोड़ा उन्हें कोई याद नहीं रखने वाला, बट कादर साहब अपने किरदार और डायलॉग्स के लिए हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।